पे अभी एंगेज किया है तहरीके इंसाफ ने, जो कि ये ट्रेंड चला रहे हैं मीडिया में पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ। और ये पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश साजिश का जो ड्रामा है, असल चेहरा उसका ये है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो फंड तहरीके इंसाफ का, वो जो ऑनलाइन तरीके से जो पैसे दिए जा रहे हैं, उसकी तहकीकात कराई जाए, और चाहे इसमें वजारत दाखला को कहा जाए या जिसको भी कहा जाए, ये तहकीकात कराई जाए, क्योंकि वो पैसा पाकिस्तान के अदारों के ऊपर, आप देखें कैसे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, कभी अदलिया के बारे में ट्रेंड चला, और वो जलसों में कहते रात के 12 बजे अदालत खुली, अदलिया पर एक पूरे तरीके से वो हमलावर हो रहे हैं, अपनी आइन शिकनी, जब आइन खुद तोड़ा, आइन की खिलाफ वर्जी की। ये ऐवान जो है, ये पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, अब अवाम हम हैं, अगर हम लोगों ने उसका फैसला किया कि वो वजीर आजम रहने के अहल नहीं है और अदम एतमाद की, तो ये पाकिस्तान की अवाम का दिया हुआ इख्तियार हमने इस्तेमाल किया, जिसके तहत उसको बाहर निकाला। इसमें गैर आइनी या साजिश का क्या सवाल उठता है? साजिश तो ये है कि वो जो 1 अरब 10 करोड़ रुपया जो जाहिर किया जा रहा है, वो पैसे जो मनी लॉन्डर हो रहे हैं, उसके ऊपर जनाब स्पीकर एक तहकीकात कराई जाए, और जिस तरीके से अदारों पर हमला किया जा रहा है, उसका नोटिस लिया जाए कि ये अदारों पर क्यों हमला किया जा रहा है। आप पाकिस्तान के दफा करने वाले अदारे, पाकिस्तान में इंसाफ करने वाले अदारे, पाकिस्तान में कानून साजी करने वाले अदारे, इनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, जबकि आपको एक आईनी तरीके से इस ऐवान से, इस कुर्सी से हटाया गया, और आपको कहा गया कि आप इस कुर्सी के अहल नहीं। तो आप कह रहे हैं आपने पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया, आपने अपने जाती मुफाद की खातर अपनी वजीर आजम की जो ऑब्लिगेशन थी, आपने उनकी खिलाफ वर्जी की, आपने वजीर आजम के अपने आइन के नीचे उठाए गए हल्फ की खिलाफ वर्जी की। तो इसके ऊपर जनाब स्पीकर जरूरी तहकीकात करानी चाहिए। और एक और भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि कासिम सूरी साहब, उन्होंने हम सबको गद्दार करार दिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो रूलिंग थी ये गैर आइनी है, तो हम सब कौमी असेंबली के मेंबरान को अपने हलकों में जाके अपनी अदालतों में उनके खिलाफ दावे दायर करने चाहिए। हमें उनके खिलाफ अरबों रुपए हर्जाने के, उन्होंने हम पे एक झूठा इल्जाम लगाया, हमें उनसे उनके खिलाफ तमाम मेंबरान असेंबली, अब बल्कि स्पीकर साहब आप भी उनमें थे जो वोट दे रहे थे, हमारी रेपुटेशन को उस बंदे ने नुकसान पहुंचाया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तो गैर आइनी रूलिंग है, तो हमारा जो लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ, जो हमारी इज्जत पे दाग लगा, जो हम पे इल्जाम लगाया गया, जो 2 दिन मुल्क में गद्दार गद्दार का ड्रामा किया गया, उसका हिसाब लेना होगा, और हम सबको उसका हिसाब लेना चाहिए। तो इसके बारे में भी आप जनाब स्पीकर एक कमेटी बनाएं या एक प्रिविलेज कमेटी के पास ये मामला भेजें कि ये वहां पर जो स्पीकर ने रूलिंग दी वो गैर आइनी जब डिक्लेयर होगी, तो जो हमारा लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ, हमारी इज्जतों पे दाग लगे, उसका हिसाब कौन लेगा? पाकिस्तान की तारीख में ये लिखा जाना चाहिए कि एक डिप्टी स्पीकर जिसने गैर आइनी काम किया, उसके खिलाफ जब इतनी अदालतों के फैसले आएंगे, तो इस कुर्सी पर बैठा हुआ कोई भी शख्स अपनी आईनी जिम्मेदारी से आगे नहीं बढ़ेगा। जनाब स्पीकर, एक बहुत अहम, मैंने पिछली आपसे भी गुजारिश की थी कि यहां पे जो सदर साहब हैं, उनका मुआवजा क्यों नहीं मुमकिन? जब सदर साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की हुई है, उन्होंने आइन शिकनी की हुई है जनाब स्पीकर, तो आप सिर्फ, तो जनाब स्पीकर आप सिर्फ उसमें यह जरूर देखिए कि आप को हम, मुर्तजा साहब, हम सब लोग आपको एक चार्जशीट देते हैं, जहां पे स्पीकर, जनाब स्पीकर, सदरे पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी की हुई है, और हम सब ने, ये जो 2/3 अक्सरियत का सवाल उठता है, ये 2/3 अक्सरियत जो पार्लियामेंट की है, जिसमें स्पीकर भी है, जब मुआवजे का सवाल उठेगा, तो हम सब लोगों ने आइन के तहफ्फुज़, आइन को तहफ्फुज़ देने का हल्फ उठाया हुआ है, आइन की पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है, आइन के साथ खड़े होने का हल्फ उठाया हुआ है। तो जनाब स्पीकर, कोई भी शख्स अगर यहां पर आइन शिकनी साबित हो जाती है, और हमारे पास उसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन के जो नोटिफिकेशन जारी किए गए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो पार्लियामेंट को बाईपास करके जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो आईनी तरीकाकार आईन में जो है दिया गया, उसकी वो खिलाफवर्जी में नोटिफिकेशन हुआ, और सारे नोटिफिकेशन पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों से गैर आईनी डिक्लेयर किए गए।
तो जनाब स्पीकर जब ये गैर आइनी काम हुए हैं तो सदर का जब मुआवजा होता है तो उसके लिखा है मुआवजे में गैर आइनी चीज के ऊपर सदर पाकिस्तान का मुआवजा किया जा सकता है और उसकी चार्जशीट की जा सकती है और सदर पाकिस्तान इस ऐवान में आके जवाब देगा कि उसने आइन शिकनी की है कि नहीं की। और अगर आइन शिकनी ये साबित हो जाती है तो जनाब स्पीकर आप इस ऐवान में ये क्वेश्चन दें और चाहे वो तहरीक इंसाफ का सेनेटर हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का सेनेटर हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का, तमाम मेंबराने असेंबली और अपर हाउस और लोअर हाउस के मेंबरान ने जो हल्फ लिया है वो आइन के तहफ्फुज का हल्फ लिया है। तो अगर एक बंदा आइन शिकनी करता है वो चाहे सदर पाकिस्तान है और मैंने अगर मेंबर कौमी असेंबली की हैसियत से हल्फ लिया है कि मैं आइन का तहफ्फुज करूंगा, तो ये किस तरह मुमकिन है कि एक आइन शिकन इंसान के हक में मैं वोट दे दूं या उसके खिलाफ वोट दे दूं? तो जहां पे मेरा वोट जाएगा वो तो आइन शिकन के खिलाफ ही जाएगा जब ये केस साबित हो जाएगा। तो जनाब स्पीकर मेरी ये गुजारिश है कि इस चीज को काफिल फोर नोटिस लेना चाहिए और इस पे भी आप एक कमेटी कायम करें तो देखें कि पिछले 3-3.5 सालों में किस तरीके से पार्लियामेंट की बेतुकीरी की गई और सदर पाकिस्तान ने कौन कौन से गैर आइनी इकदाम किए। और अगर गैर आइनी इकदाम के लिए आपके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर सदर पाकिस्तान को यहां पर लाकर खड़ा करें और उनसे पूछें कि आपने आइने पाकिस्तान तोड़ा है कि नहीं तोड़ा। बहुत शुक्रिया जनाब। ये मुश्ताक साहब दे दें जरा।